हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन डेस्क से पाथ ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अभी भी ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि अभी हाल ही में एक जेएन भर्ती कंप्लीटेड हो गई, उसके जस्ट बाद में 189 पदों पे वैकेंसी निकली है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों, तो मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अच्छी वैकेंसी 189 पदों की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, आज ही की डेट में 3/6/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी जो एजेंसी है वह है जो इसको विज्ञप्ति को जारी किया, और पूरी एग्जाम इसी के द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। कनिष्ठ अभ्येता की वैकेंसी है जो कि 2022 अभी के चालू हुई है। आवेदन प्रक्रिया है वो आप लोगों को पूरी डिटेल जो एसएसओ आईडी है उसके थ्रू आप इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसमें जो वैकेंसीज है वो कितनी क्या है। आवेदन शुल्क जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं हर वैकेंसी में जो आती वही है। अब देखते हैं इसमें जो रिजर्वेशन है, गैर अनुसूचित क्षेत्र से नॉन टीएसपी एरिया से जो वैकेंसी आई है वो 144 है, ठीक है। इसमें जनरल कैटेगरी में 38 है, ठीक है। अनुसूचित जाति में 16 है, अनुसूचित जनजाति में 12 है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 21 है, अति पिछड़ा वर्ग में 5 है, और आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 10 वैकेंसीज है। टोटल मिलाए तो इसमें 144 वैकेंसीज है। नेक्स्ट, इसमें जो विशेष योग्य जन जो हैंडीकैप्ड होते हैं स्टूडेंट उनके लिए वैकेंसीज है, तो भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए 17 काफ़ी वैकेंसीज है, और बात को उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए 45 वैकेंसीज है, उनमें भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनकी अलग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो कौन कौन सी ज़रूरत है, ठीक है। एक मिनट, अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो उससे भी अच्छी वैकेंसीज है, उससे भी आप लोग फिल कर सकते हैं। उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब इसमें देखो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही चाहिए, क्योंकि जो ब्रांचें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें कौन सी ब्रांच है वो एलिजिबल है। तो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। तो आपके पास अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो वही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, वहीं देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो मेन तो इम्पोर्टेंट है ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, ठीक है, इसी एजेंसी में। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट यही चीज़ थी, और तो इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं कि वैकेंसी आ गई, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो ही आपके लिए आप इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।